स्टूडेंट्स, हम लोग कल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 4 पर चलेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको लाइव क्लासेस पढ़नी है तो नीचे कमेंट में यस लिखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम फाइंड आउट करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें हमने ये भी आपको बताया था कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसी को हम एक और कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। जिसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या a है, कोई भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या a है, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे, जैसे हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड आउट करना चाहें तो जान लेते हैं अगर कुछ नहीं तो क्या हो जाता है, a अपॉन 1 ना, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अपोजिट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। मींस 1 नीचे है तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर, अपॉन a नीचे हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता था। जैसे हमारा लिखा होगा कहीं पर 2/3 का अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना, क्या कर देंगे, इसी को अपोजिट कर दो, इसी का अपोजिट का मतलब उल्टा, जो नीचे है वो ऊपर, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाएगा। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ऐसे ही सेम करना है हमें इस क्वेश्चन में भी, बाकी कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इक्वल। मैंने क्या बोला था कि हमेशा क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा उसी का अपोजिट कर देंगे। -13 मींस 13 अपॉन 1 है ना, तो इसका अपोजिट करो, 1 नीचे है क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन -13। ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13 -13। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल यानी अपोजिट निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो अगर हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी 19 है तो 19 अपर साइड चला जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, और 13 नीचे आ जाएगा यानी -19/13, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। अब बताइए आप लोग, अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, किसका फाइंड आउट करना है, 1/5, देन व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 5/1। 5/1 अपॉन 1 मींस राइट करते हैं या नहीं करते हैं वो अंडरस्टूड होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ओनली 5। अब हमारा है 4th पार्ट। अब क्या दिया गया, -5/8 × -3/7। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। माइनस माइनस प्लस
तो साइन नहीं लिखेंगे। 5 3 जा 15 अपॉन 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब लिखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इक्वल क्या हो जाएगा, 56/15। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट है, लिखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ -1 × -2/5 इक्वल। अपोजिट करना है, याद रखिएगा, पहले हम अपोजिट करते हैं, चलते हैं, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए या ऐसे ही अपोजिट करते हैं। मान लीजिए अपान 1 है, तो 1/-1 × इसको अपोजिट कर दो तो 5/-2, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 / 2 × 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके, अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉरी फिफ्थ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये बताना है कि मल्टीप्लीकेशन के थ्रू कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है, जो हमारे पार्ट्स दिए गए हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्वेश्चन को राइट करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन का पार्ट जो है, -4/5 × 1 = −4/5। अब हमें ये बताइए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारा, इसमें हमारी प्रॉपर्टी हुई है यूज, 1 is the multiplicative identity। ये हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, सेकेंड क्वेश्चन है 13/17 × −2/7 = −2/7 × 13/17। हम जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो एक चीज हमने ध्यान दी थी कि कहीं पर अगर a into b लिखा होगा तो इसकी जगह पे b into a राइट किया जा सकता है। किस प्रॉपर्टी में पढ़ा था हम लोगों ने, किस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि a into b इक्वल होता है b into a के, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेटिविटी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अगर हम देखें 13/17 × −2/7 = −2/7 × 13/17, यानी इसके प्लेस को देखिए, जहां पर 13/17 है वहां −2/7 आ गया, और जहां −2/7 वहां 13/17, यानी प्लेस को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिविटी, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। अब इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, −19/21 × 21/-19 = 1। अब हमें बताइएगा आप लोग कि जो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती थी जहां हमने बोला था कि a into 1 upon a ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ये कब होता था, ये 1 के इक्वल कब होता था, किस प्रॉपर्टी में 1 के इक्वल होता था। तो ये 1 के इक्वल अभी हम थोड़ी देर पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, कब होता था, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है, इसमें होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में होता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की गई है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका
और इसके सेम इसी के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई किया गया और वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हमारा क्वेश्चन 6 है, हमारा क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई दी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब हमें 6/13 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 7/16 के रेसिप्रोकल से। याद रखिएगा कि 6/13 के रेसिप्रोकल से नहीं करना है हमें, हमें रेसिप्रोकल किसका करना है, -7/16 का। हमें रेसिप्रोकल किसका करना है, -7/16 का रेसिप्रोकल करना है। सबसे पहले -7/16 का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल। ये बताइए, जब हम लोग रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, हमने यही तो बताया था कि अगर कभी भी रेसिप्रोकल की बात करेगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेगा तो हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी अंश को हर, हर को अंश, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 16 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। अब हमें क्या करना है, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहाँ चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी 6/13 को 7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल कितना है, -16/7। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या देख रहे हैं कि 16/13 इंटू -16/7, अब इसको क्या कर लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 6 96, तो -96 अपॉन 13 से बन जा 91, 13 से बन जा 91, ये हो गया हमारा आंसर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।